ऑर्डरली and ऑफ स्किन एंड टिश्यूज cutting force. फोर्स so, यहाँ पे जो है एक ऑर्डरली solution है जैसे कि अगर हम एक example देखें कि एक एप्पल है और अगर एप्पल के ऊपर हम जैसे ही नाइफ चलाते हैं और जैसे एक ऑर्डरली सॉल्यूशन होता है वैसे स्किन या तो फिर टिश्यू को कोई शार्प कटिंग फोर्स से जो ऑर्डरली सॉल्यूशन होता है उसको इंसाइज बुन बोलते हैं जम देखेंगे इंसाइज वुंड में बी प्रोड्यूस्ड बाई लाइट शार्प कटिंग वेपन लाइक किचन नाइफ रेजर स्पेल एटसेट्रा हैवी शार्प कटिंग वेपन लाइक नाइफ कुकरी एटसेट्रा और हेवीली शार्प कटिंग वेपन लाइक श्वर्ड चॉपर एक्स एटसेट्रा पर अगर वो हैवी शार्प कटिंग वेपन से अगर इंसाइज वुंड किया गया है तो फिर उसको चौप कहलाएगा चौप का जो वीडियो है वो एक अलग लिंक के साथ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ब्लेड ऑफ वेपन सो यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत ही नेरो एरिया पे डिलीवर होता है एंड उसे जो है वो एक एज कटिंग होती है जो हम अपकमिंग स्लाइड्स में एक पिक्चर के तौर पे देखेंगे एंड इनसाइज में बी प्रोड्यूसड बाई फॉलोइंग मेकेस्ट वन इज बाई स्ट्राइकिंग द बॉडी विथ शार्प कटिंग एज राइट स्ट्राइक करने से बाई ड्रॉइंग और बाई स्विपिंग एक्शन ऑफ द वेपन ऑन द बॉडी ड्रॉइंग एक्शन या तो स्विपिंग एक्शन uh, की वजह से बॉडी पे या तो फिर बाई शोइंग जो कि हाईली और हेवीली शार्प कटिंग वेपन जो होते हैं

मल्टीपल इंसिजन देखने को मिलते हैं जिसके एंड जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं फीचर्स देखेंगे वुंड आर ऑलवेज ब्रॉडर एज ऑफ वेपन इट बिकॉज़ ऑफ रिट्रेक्शन ऑफ द डिवाइडेड टिश्यू सो जो डिवाइडेड टिश्यू होता है उसका रिट्रेक्शन होने की वजह से वो जो उसका जो स्किन है और जो इंसाइज वुंड है वो ऑलवेज ब्रॉडर होता है

ज्यादा होती है wound. यहाँ पे जो hemorrhage है, जो bleeding होता है, है, होता वो यहाँ पे ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लेसरेटेड वुंड बिकॉज ब्लड वेसल्स आर क्लियरली कट जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स है वो क्लियरली कट होती है द क्लीन कट एंड आर नॉट इफेक्टिवली रिक रिट्रेक्टेड एंड ब्लीड कंसिडरेबली और जो उसके एंड है वो भी अच्छी तरीके से रिट्रेक्ट नहीं हुए होते हैं इसलिए ब्लीडिंग भी ज्यादा होता है इफ द वेपन इज स्ट्रक ऑब्लिकली अभी हम थोड़ा पिक्चर पे भी ध्यान रखेंगे ऑन द बॉडी पार्ट इट कॉज बिविलिंग ऑफ वन एज जो नीचे का जो ब्लू एरो है और जो नीचे की लाइन है वो एक बिविलिंग एज हमने दिखाया हुआ है बिविलिंग यानी कि एक स्लोपी एज राइट एंड अंडरमाइनिंग ऑफ द अदर एज जो वो एज है वो आ, दूसरी एज को अंडरमाइंड यानी कि अंडरनीथ करती है और अंडरमाइंड एज इंडिकेट्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द स्लैशिंग स्ट्रोक वॉज मेड सो यहाँ पे जो अंडरमाइनिंग एज है आ, उसकी डायरेक्ट वो हमको डायरेक्शन बताती है कि कौन से साइड से वेपन का यूज हुआ है सो so, आप देख सकते हैं जो रेड एरो है वो दिखाता है कि वो साइड से जो स्ट्रोक है वो किया गया है राइट right? इंसिजन किया गया है डेटिंग ऑफ इंसाइज या तो फिर उसको एज भी बोल सकते हैं फ्रेश जो होता है वो रेड विथ क्लॉटेड ब्लड होता है ट्वेल्व आवर्स जिसके हो गए होते हैं उसकी मार्जिन रेड स्वेलोन एंड एडेर विथ ब्लड एंड लिव 24 आवर्स के बाद कंटिन्यूस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स ओवर द सर्फेस विथ स्केब अ ड्राइड क्लॉट राइट टू टू थ्री डेज और फोर टू सिक्स डेज में ग्रोस फीचर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है पर अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आपको ग्राफ्टिंग और ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे राइट सेवन डेज में स्कार फॉर्मेशन हो जाता है सो दिस इज द एज ऑफ द इनसाइज वुंड एंड लास्ट वन इज मेडिकोलिगल इंपॉर्टेंस सो इन दैट कॉज ऑफ इंजरी कैन बी नोन नेचर ऑफ इंजरी कैन बी ए सर्टेन वेदर इट इज सिंपल और ग्रेवियस, ऑफ इंजरी कैन कैन बी बी एस्टिमेटेड, इट नॉन वेदर इंजरी इज एक्सीडेंटल और सुसाइडल और होमिसाइडल मैनर ऑफ इंजरी भी हमको जानने के लिए मिलती है एंड डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन बी नॉन, जो अंडरनीथ पार्ट है बिविलिंग एज है उसके ऊपर से हमको कौन से साइड से फोर्स अप्लाई हुआ है कौन से साइड से इंसिजन हुआ है उसकी जानकारी भी मिलती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल क्लिक बेल आईकॉन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स थैंक यू